रोहित शर्मा। जी हां, भारतीय टीम के कप्तान की वापसी हो चुकी है और वापसी के संकेत ये हम नहीं दे रहे, वापसी के संकेत कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने खुद दिया है और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। जी हां, रोहित शर्मा ने कहा है कि देखिए, उन्होंने तमाम पहलुओं पर बातचीत की है और क्या क्या बातचीत किए वो सभी सवाल और उसके जवाब आपको दोनों ही बताएंगे इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा और पूरे यानी अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी तमाम जानकारी जो है वो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि ये जानकारी हम आपसे सीधे तौर पे साझा कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए, रोहित शर्मा की बात की शुरुआत करने से पहले बता दें कि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले T20 मुकाबले से पहले जिस तरीके से अमूमन कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोहित शर्मा ने किया है और उसमें तमाम सवालों के जवाब दिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। रोहित शर्मा से सवाल किया गया कि आप इस T20 जो मुकाबले हैं इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या ये समझा जाए कि ये वर्ल्ड कप की तैयारी है? तो रोहित शर्मा ने बोला कि जी हाँ, हम किसी भी मुकाबले को अब नज़रअंदाज नहीं करेंगे या फिर हल्के में नहीं लेंगे और हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो है T20 वर्ल्ड कप। जैसा कि पहले भी रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो अब T20 वर्ल्ड कप ही है और इस लिहाज से देखा जाए तो हम टीम को लेकर लगातार तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा, उन्होंने एक लाइन और जोड़ा है कि देखिए, नए यानी यंग टैलेंट को खेलने का मौका मिलना चाहिए और हम इस चीज़ को लगातार जो है वेटेज दे रहे हैं। हम लगातार चाह रहे हैं कि यंग टैलेंट जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए खेले। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि रोहित शर्मा का कहीं ना कहीं इशारा है कि यंग टैलेंट्स जो है यानी नए खिलाड़ी जो है वो आपको T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए, कुछ कंडीशंस ऐसे रहते हैं जहाँ पे पुराने खिलाड़ी तो होते ही हैं लेकिन युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाता है ताकि वो अपनी प्रतिभा को निखार पाए। और इसी क्रम में आप तमाम इंग्लैंड के खिलाफ भी जो तीन टी ट्वेंटी मुकाबले खेलने हैं उसमें आप देख सकते हैं स्क्वाड में तमाम नए खिलाड़ियों के नाम भी हैं। और इस लिहाज से देखा जाए तो अर्षदीप सिंह, उमरान मलिक, फिर राहुल त्रिपाठी, ये तमाम खिलाड़ी इनको मौके दिए जाएंगे। संजू भी वर्ल्ड कप का हिस्सा हो सकते हैं, ऐसा रोहित शर्मा ने अपने पिछले पहले दिए गए बयानों में कहा है कि उनको भी हम वर्ल्ड कप तक के सफर में देख रहे हैं टीम इंडिया के साथ और T20 के लिहाज से अहम खिलाड़ी हैं। और इसके बाद रोहित शर्मा ने कहा कि देखिए, रोहित शर्मा से पूछा गया उनके कोविड के बारे में तो रोहित शर्मा ने कहा कि देखिए, 8 से 9 दिन मेरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैं उदास था और मैंने टेस्ट मुकाबला जो है वो बहुत मिस किया है क्योंकि भारतीय टीम के लिहाज से अगर देखा है तो रोहित शर्मा पहले कप्तानी करने वाले थे उस आखिरी टेस्ट मैच का, लेकिन कोविड सिम्टम की वजह से, कोविड पॉजिटिव होने की वजह से रोहित शर्मा जो है वो मुकाबले को लीड नहीं कर पाए थे और उन्हें क्वारंटीन रहना पड़ा था। और इसके बाद रोहित शर्मा ने कहा कि देखिए, मेरा 8 से 9 दिन जो है बहुत ज़्यादा मतलब बुरा बीता है क्योंकि वो उदास थे इस चीज़ को लेकर। और इसके बाद रोहित शर्मा के इन तमाम सवाल के जवाबों से ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया कि वो रोहित शर्मा जो है वो वापसी कर रहे हैं और कल जो होने वाले मुकाबले हैं यानी जो पहला T20 मुकाबला होने वाला इंग्लैंड के खिलाफ उसमें टीम इंडिया को लीड करते हुए दिखाई देंगे। तो रोहित शर्मा ने अपने आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, हमने आपको ये अपडेट दे दिया है। आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा की वापसी से टीम इंडिया को मजबूती मिलेगी क्या? टीम इंडिया टेस्ट मैच हारने के बाद T20 मुकाबले में इंग्लैंड के ऊपर कहीं ना कहीं पकड़ बनाने में और मुकाबला जीतने में सफलता पाएगी और क्या T20 जो सीरीज है वो इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम अपने नाम कर पाएगी? और तमाम तरीके से जो सवाल के जवाब रोहित शर्मा ने दिए हैं उसे सुनकर आपको क्या कुछ लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।